और मैं ललकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो दोबारा से नूह के अंदर इस तरह की कोई हरकत करके दिखाओ। अब की दफा तो चप्पल और जूतियां छोड़ करके भागे थे। मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। पता सबको है और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूँ जिन जिन्होंने लिस्ट दी है। किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवा छोड़ना पड़ेगा यहाँ। नहीं दोस्तों, नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद, चुनाव परिणाम आए हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, हर तरफ चुनाव परिणाम का मंथन चल रहा है। सभी चुनाव परिणामों का मंथन कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। कांग्रेस के लोग जहां उनको ये परेशानी है कि 39.09% वोट लेकर भी वो मात्र 37 सीटों पर रहे, और भारतीय जनता पार्टी 39.94% वोट लेकर के 48 सीट ले गई, और इस सब को लेकर के चर्चाओं का माहौल है। मैंने आपको अपने कई वीडियोस में, जो पिछले 2 वीडियो बनाए, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के हार के कारण क्या रहे। एक वीडियो में मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं जाकर के, कि SC और DSC वोटों का बंटवारा कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बना। दूसरे वीडियो मैंने आपको बताया, आप दूसरा भी देख सकते हैं, किसान, जवान और पहलवान, ये भी कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बने। इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक और ऐसा विषय, एक और ऐसा मुद्दा जो चुनाव के अंदर सर चढ़कर बोल रहा था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण हरियाणा की जो 28 सीट हैं उनमें से बम्पर मेजोरिटी के साथ वो सीटें जीती। फरीदाबाद लोकसभा की 9 विधानसभा सीटें, जिनमें से 9 में से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीती। उसके बाद अगली आ जाती है गुरुग्राम लोकसभा की 9 विधानसभा सीटें, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीती। इससे अगली आ जाती है तो फिर आती है भिवानी महेंद्रगढ़ की सीटें, उन 9 में से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती। और फिर अगर आगे चलते हैं तो फिर रोहतक लोकसभा की 1 सीट जो अहिरवाल में है, कोसली, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यानी कि इन 28 सीटों में से फरीदाबाद के अंदर 2 सीटें कांग्रेस को मिली, गुरुग्राम के अंदर 3 सीटें कांग्रेस को मिली, और अगर आगे चलते हैं तो फिर भिवानी महेंद्रगढ़ में 2 सीट कांग्रेस को मिली। यानी कि 28 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी कि 28 में से 7 सीटें कांग्रेस को और बाकी 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। दक्षिण हरियाणा की बात करें या फिर हरियाणा का NCR का एरिया, एक मुद्दा बहुत गर्म रहा। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जो नूह में ब्रजमंडल यात्रा चली और उसके अंदर जो हिंसा हुई, उस हिंसा के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। इस हिंसा के मामले को लेकर के, यानी कि नूह के अंदर जो हुआ था, मेवात के अंदर जो हुआ था, उसके अंदर जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, उस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और सनातन, हालांकि ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनता के बीच एक संदेश अग्रेषित हुआ। फिरोजपुर झिरका के विधायक चुने गए हैं मामन खां, हालांकि वो पूरे हरियाणा में सबसे अधिक रिकॉर्ड वोटों से जीत करके गए हैं, लेकिन मामन खां के वो वीडियोस जो मेवात हिंसा, नूह मेवात हिंसा के दौरान के थे, उससे पहले जो विधानसभा में उनका बयान था कि प्याज सी फोड़ देंगे, ये मोनू मानव सर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास ही ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने, पूरे चुनाव के दौरान चर्चाओं में रहा। दूसरी तरफ पलवल के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता करण सिंह दलाल, नूह मेवात की हिंसा के दौरान करण सिंह दलाल का एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि उस वीडियो ने पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर एक मैसेज छोड़ दिया। पूरे दक्षिण हरियाणा के मैसेज चला वो, पलवल के तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने और कार्यकर्ताओं ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। करण सिंह दलाल का आप ये भाषण सुन भी सकते हैं।
और मैं ललकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो दोबारा से नूह के अंदर इस तरह की कोई हरकत करके दिखाओ। अब की दफा तो चप्पल और जूतियां छोड़ करके भागे थे, आने वाले दिनों में इनको सड़कों पर चलने की गुंजाइश नहीं नजर आएगी। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि जूते चप्पल छोड़ करके चले गए थे। ये मामला भी पूरी तरह से पूरे चुनाव में छाया रहा। हालांकि इस बात को समझ नहीं पाए कांग्रेस के लोग। करण सिंह दलाल ने चुनाव के दौरान डैमेज कंट्रोल के लिए गिरिराज महाराज की जय और वृंदावन धाम जाने तक के तमाम अपने नारे दिए। करण सिंह दलाल की धर्मपत्नी जो सनातन धर्म की प्रभात फेरियों में बड़े मधुर संगीत बोलती हैं, भगवत भजन बोलती हैं, उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। जनता के बीच एक बात चल पड़ी कि अगर कांग्रेस आ रही है तो फिर हिंदुत्व खतरे में है, कांग्रेस अगर आ रही है तो फिर सनातन खतरे में है। इस प्रकार का संदेश जनता के बीच गया। और सबसे प्रमुख बात ये रही, इस सबके बीच में जो एक प्रमुख बात थी वो बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में 5 प्रत्याशी मुस्लिम दिए। 3 प्रत्याशी मुस्लिम मेवात जिले के, पिछले चुनाव में भी थे। नूह से आफ्ताब अहमद थे, फिरोजपुर झिरका से मामन खां थे, पुनाना से मोहम्मद इलियास थे। अगर आगे चलें तो फिर हथीन में पिछले चुनाव में भी मोहम्मद इसराइल कैंडिडेट थे, इस चुनाव में भी इसराइल को टिकट मिला। 5वां टिकट कांग्रेस ने दिया यमुनानगर ज़िले के अंदर जगाधरी विधानसभा सीट पर अकरम खान को। अकरम खान ये 5वें कैंडिडेट थे। 5ों नेता चुनाव जीते। जो कांग्रेस पार्टी ने 5 मुस्लिम नेताओं को, बड़े नेताओं को जो टिकट दिया वो 5ों चुनाव जीते। लेकिन इसको भी मुद्दा कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी संगठन है वो लेकर के जाने में कामयाब हो गए। हिंदुत्व की बात पर चलने वाले और ख़ासकर सनातन की बात पर चलने वाले हिंदू समाज के जो मतदाता हैं उनके अंदर एक ही संदेश चला गया कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो फिर ये तुष्टीकरण की नीति होगी। और ये संदेश एक तरह से जैसे स्लीपर सेल की तरह पहुंचता है, वो पहुंचता चला गया। और इस संदेश ने, अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस पार्टी को पूरा नुकसान दिया। और खाली मैं नहीं कह रहा, आप कप्तान अजय यादव का बयान सुने, कैप्टन अजय यादव जो रेवाड़ी से चुनाव हार गए और उन्होंने कहा कि मामन खां के बयान ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान दिया। और ये मैं आपसे बता रहा हूं कि दक्षिण हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा की जो 27 सीटें 3 लोकसभाओं की और 28वीं सीट रोहतक की कोसली, इन 28 विधानसभा सीटों पर पूरा प्रभाव रहा। मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि भी मेवात में जैसे चुनाव खत्म होंगे मैं देखूंगा कौन रहता है मेवात के अंदर, जो जिन्होंने अत्याचार किया उनको एक एक करके मैं बाहर निकाल लूंगा। उसका असर पड़ा हमारे यहाँ, वो तो खुद तो जीत गए 98,000 वोट से, वो तो वैसे भी जीतने थे, पर उनको ये बयान देने की जरूरत क्या थी उनको बयान देने की। आप अगर देखें तो नूह मेवात की हिंसा का जो सीधा सीधा असर रहा वो फरीदाबाद में भी हुआ, वो पलवल में भी हुआ, वो करनाल के अंदर, करनाल के तो युवक की उसके अंदर गोली से मौत हुई थी, इन तमाम जगह पर। लेकिन दक्षिण हरियाणा में इसका ज़्यादा असर हुआ और हिंदू मतदाताओं का यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के प्रति। इतना तो तब था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कई जगह, तो ऐसे कैंडिडेट थे, अगर आप देखें तो बड़खल विधानसभा, अगर आप देखें तो हथीन विधानसभा, अगर आप देखें तो NIT विधानसभा, जहां पर कैंडिडेट्स को समय भी कम मिला। बीजेपी के कैंडिडेट्स सबसे लास्ट में डिक्लेयर हुए, लेकिन इसके बावजूद जो मतदाताओं के बीच जो अंडर करंट चल रहा था, जो हिंदुत्व और सनातन की बात पर एक बात मतदाताओं के बीच जा रही थी, खासकर हिंदू समाज के मतदाताओं में, और एक तरह से जैसे उनके दिलो दिमाग में एक बात घर कर गई कि अगर कांग्रेस आई तो फिर मुस्लिम मतदाताओं को और मुस्लिम समाज का, यानी कि इसका एक संदेश ये चला गया मतदाताओं के अंदर, आम जनता के अंदर, खासकर हिंदू समाज के मतदाताओं में, कि अगर कांग्रेस आ रही है तो फिर मुस्लिम को, मुस्लिम समाज को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, सनातन खतरे में आ जाएगा। और ये संदेश इतना गया कि अगर आप देखें तो खासकर जो कॉलोनियों में बसे हुए मतदाता, झुग्गी झोंपड़ियों में बसे हुए मतदाता, अगर आप पलवल के अंदर देखें तो, फरीदाबाद में देखें तो, यानी कि तमाम वो मतदाता जिनकी तरफ लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, जिस दिन पोलिंग हो रही थी कांग्रेस के जो बूथ बने हुए थे वहाँ भीड़ भी दिखाई दे रही थी, लेकिन
इंटरनल तौर पर, आंतरिक तौर पर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान कर रहा था। और ये संदेश इस टाइप से चला कि जिसकी कानों कान किसी को भनक तक नहीं हुई। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर, खासकर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा जितना ज़्यादा प्रभावी हुआ, उतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता गया। और मैं आपको बताऊं कि मेरी कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात भी हुई थी। दबी जबान में वो स्वीकार भी करते थे कि हमारे पास इस मुद्दे की काट नहीं है। और वही हुआ, जब चुनाव परिणाम आए तो भले ही दोष कहीं मढ़ा जाए, लेकिन एक बड़ा मुद्दा, बड़ा कारण ये भी था कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गई कि अगर कांग्रेस आ रही है तो फिर हिंदुत्व खतरे में है, सनातन खतरे में है, सनातन की अस्मिता पर हमला है। और ये बात लोगों के, मतदाताओं के दिलो दिमाग पर असर कर गई और जो जा कर के EVM पर सामने आ गई। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं? क्या वाकई हिंदू और सनातन मतदाताओं पर इस बात का असर गया था? क्या मामन खां और अन्य नेताओं के बयान, जो कैप्टन अजय यादव भी कह रहे हैं, क्या उसके चलते मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ? और जो मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस के हार के जो बड़े कारण, क्या उसके अंदर ये वाला भी बड़ा कारण रहा, यानी कि इस्लामीकरण वाली बात और इधर हिंदुत्व और सनातन को खतरे की बात? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।